5,000 रुपये ले लो, मुझे मेरे साथ होटल चलो, और मतलब 500 रुपये ले लो, ऊपर का पार्ट दिखा दो। क्या देता मतलब वीडियो भी दिखाते थे गंदी गंदी, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर मारा। जैसे मैं घूमती या चलती थी कहीं पर भी, जैसे मोमोज खाने चलेगी कहीं भी चलेगी घूमने, तो जहाँ भी मिलता था मुझे छेड़ने लगता था, या जबरदस्ती बाइक पर बिठाता था, बोलता था बैठ कहाँ जा रही है। अगर मैं बोलती अपने विरोध लड़ती थी उससे, तो वो मेरे को मारने की धमकी देता था। मतलब हिंदू लड़कियों को ही नौकरी पर रखता था, ये बात सच थी? हाँ ये बात सच है, हिंदू को ही रखता था। चेस्ट पे हाथ लगाता था, शोल्डर पे हाथ लगाता था, बैक पे हाथ लगाता था, मतलब हाथ हाथ पकड़ लेता था, और जंग मतलब यहाँ पे हाथ रख लेता था, और मतलब अंदर बुलाता था, दारू का ऑफर मारता था। दिल्ली में बच्चियाँ कितनी सुरक्षित हैं आज के मामले से आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ तनीषा, और उस वक्त मैं निहाल विहार के थाना अंतर्गत आने वाले नांगलोई में मौजूद हूँ, जहाँ से एक मामला सामने आया कि एक प्रॉपर्टी डीलर जो गरीब बच्चियों गरीब बेटियों को जो है नौकरी का झांसा देता था, फिर उनके साथ गलत काम करता था। अभी कुछ ही दिनों पहले जो है इसी इलाके से करीबन 7 लड़कियाँ गायब हुई हैं, और बताया जा रहा है कि उसी प्रॉपर्टी डीलर ने उन 7 लड़कियों को गायब किया, जिनमें से 4 लड़कियाँ जो है उसके चंगुल से बच बचा कर अपने घर वापस आ गई हैं। अभी मेरे साथ उनमें से 3 बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पूरे मामले को जानेंगे। बच्चे, आपकी उम्र क्या है? 13। कब काम करना शुरू किया था आपने वो प्रॉपर्टी डीलर के पास? 1 तारीख से। वो प्रॉपर्टी डीलर का नाम क्या है? सफराज। क्या परेशान करता था, छेड़छाड़ करता था? हाँ, मतलब हाथ हाथ पकड़ लेता था, और जंग मतलब यहाँ पे हाथ रख लेता था, और मतलब अंदर बुलाता था, दारू का ऑफर मारता था। तो आपको मतलब नशा वशा करवाया कुछ? नहीं। कितने दिन हो गए आपको काम करे? 3 दिन हो गए थे, मतलब एक दिन सही था, फिर दूसरे दिन मतलब छेड़छाड़ करने लग गया था, फिर मतलब भाग गए थे आप सब। कहा जा रहा था कि मतलब 7 लड़कियों को किडनैप करके ले गया था, ऐसे मतलब बहला फुसला के लेके गया था, तो आप भी थे उनमें से? मतलब नहीं, मैं थी और 2 लड़की और थी। क्या बोलकर ले जा रहा था, कहाँ ले जा रहा था? मतलब ऐसे ही घूमने चल लो। तो गाड़ी में ले जा रहा था? हाँ। तो जो बाकी लड़कियाँ थी वो आप ही की उम्र की थी? हाँ। या आपसे छोटी बड़ी, कुछ आपसे बड़ी एज की या कुछ? एक तो 12 साल की है और 2 हम 13 साल के। मतलब क्या, जब पहला दिन था आपका काम का, क्या तभी परेशान करना शुरू कर दिया था? नहीं, एक दिन तो मतलब कहने लग गया वो, आप मेरे से कुछ खाओगे कुछ नहीं खाओगे, तो हमने मना कर दिया था। पहले बड़े प्यार से बात कर रहा था आपसे? हाँ। किस काम के लिए मतलब आपको बोला गया था कि ये काम करूँगा, ये काम करवाऊँगा, क्या काम करने के लिए रखा था आपको? मतलब झाड़ू पोछे के लिए रखा गया था। काम मतलब झाड़ू पोछे के लिए रखा हुआ था? हाँ। और क्या बोला था, कितने पैसे देगा? 8,000 दूंगा, 4-4 ले लेना। 4-4 कैसे? मतलब मेरी दोस्त थी और मैं थी, और 8,000 की बोला था उनने। मतलब और लड़कियों को लाने की बात कर रहा था वो? हाँ, कह रहा था मतलब जा रही है तो 2 और ले आना अपने। अच्छा। दोस्तों को। और आपके साथ मतलब और कौन था वहाँ पे? मेरी दोस्त थी बस। आप ही की क्लास में थी या फिर ऐसी दोस्त थी आप? ऐसी है। आपकी एज क्या है? 16। आप कब से काम कर रही थी वहाँ पर? मुझे 1 महीना हुआ है। क्या नोटिस किया आपने इन 1 महीनों में? मैंने ये नोटिस किया मतलब वो मतलब बॉय टच करता था या गंदी नज़र से देखता था, तो मैंने अपनी दादी को बताया था। दादी ने कहा तू काम छोड़ दे, मैं उधर झाड़ू पोछा कर लिया करूँगी। अच्छा, तो ये किस वक्त आपने बताया, जब 1 महीना हो गया था या शुरुआत से ही, अगर शुरुआती में बता दिया था? वो शुरुआती में 15-20 दिन मेरे साथ सही चला, उसके बाद से उसने मतलब ये रिएक्ट मतलब मैंने नोटिस करा था उसको, तभी मैंने दादी को बताया 1 महीने बाद ही। आपके साथ साथ और कितनी लड़कियाँ काम करती थी? मैं अकेले करती थी उस ऑफिस में, बाकी और लड़कियाँ आती थी वो अपने मतलब से आती थी। मतलब से मतलब? मतलब पैसे लेने या देने। अब वो मुझे मना करता था कि उन लड़कियों को कुछ नहीं बोलना, वो उनके रिश्तेदार में लगती थी। अब पता नहीं है कोई मॉमडन लड़की, वो एक 4 नंबर में रहती है, एक पता नहीं कहाँ रहती है। उस वक्त क्या सिर्फ आप ही काम कर रही थी? हाँ, मैं ही काम कर रही थी। तो आपको किस लिए रखा हुआ था, वही झाड़ू पोछा? नहीं, रिसेप्शन पे मैं बैठती थी, एंट्री करती थी लोगों की, एड्रेस वगैरह लिखना होता था ये। 1 महीने में मतलब क्या छेड़छाड़, क्या कैसे बिहेव करता था वो आपसे? मतलब गंदी नज़र से देखना या फिर बॉय टच करना, इधर उधर हाथ लगाना। जब पहली बार ऐसा हुआ तब आपने घर वालों को बताने की कोशिश? नहीं, जब मैं डरी हुई थी मतलब कैसे बताऊं, फिर मैंने बता ही दिया अपनी दादी को। कितने दिनों बाद बताया जब आपने नौकरी मतलब जॉइन? 1 महीने बाद ही बताया। 1 महीने बाद, मतलब डर फिर टूट गया था, फिर आपने बता दिया? जी। कुछ धमकाया वमकाया भी था आपको?
जैसे मैं घूमती या चलती थी कहीं पर भी, जैसे मोमोज खाने चलेगी कहीं भी चलेगी घूमने, तो जहाँ भी मिलता था मुझे छेड़ने लगता था या जबरदस्ती बाइक पर बिठाता था, बोलता था बैठ कहाँ जा रही है। अगर मैं बोलती अपने विरोध लड़ती थी उससे तो वो मेरे को मारने की धमकी देता था। गाड़ी में बिठाता था? हाँ। कहाँ लेके जाता था? लेकर नहीं जाता था वो, मतलब जैसे अपने ऑफिस तक लाता था या फिर बोलता था, मुझे ही बोलता था घुमाएं ले चलूं या नहीं ले चलूं, लेकिन मैं मना करती थी। कई बार रेडिशन होटल के लिए मुझे ऑफ़र करा बट मैं गई नहीं। किस तरफ ऑफिस था? यही जिम वायर रोड पे। किस चीज़ का ऑफिस था मतलब? सरफराज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ का काम करता था जी। और आपके साथ मतलब आप जब ये बताया गया कि किडनैप कर लिया है 7 लड़कियों को, तो आप भी उसमें शामिल? नहीं। आप नहीं थे उस? जी नहीं, ये तो मेरे को बुलाया गया था गवाही के लिए। आपको धमकाता वमकाता भी था क्या कभी? हाँ धमकाता था, बस मारने की धमकी देता था और कुछ नहीं। मारने की मतलब जान से मारने? नहीं मतलब जैसे एक थप्पड़ मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहाँ जा रही है, ये है वो है। ये जो हरकतें करता था, आपने कभी विरोध करने की कोशिश की इस चीज़ की? नहीं मतलब कभी मैं लड़ना चाहती थी तो वो मुझे उसी टाइम धमकाता था, तो मैं डर जाती थी, सहम जाती थी। उस जगह पर क्या सिर्फ वो और आप ही काम करते थे, मतलब कोई तीसरा नहीं था वहाँ पर जिससे आप ये बात बोल सको? नहीं वहाँ पे कोई तीसरा नहीं था जिससे मैं बोल सकूँ। अच्छा आप और वही थे बस जी। क्या कोई गलत काम करने के लिए भी आपको मतलब फोर्स करता था वो? नहीं गलत काम करने के लिए कभी उसने मुझे बोला नहीं है। जैसे अभी बच्ची ने बताया कि दारू पीने के लिए बुलाता था, तो ऐसा क्या आपके साथ भी हुआ था कि आपको भी नशे वशे करवाने की कोशिश की गई हो? नहीं नहीं, बाकी उसके ऑफिस में मतलब कुछ आते थे आदमी 5-6 हट्टे कट्टे पीने आते थे, पीने खाने आते थे, वो अपन अंदर पीते थे। जैसे अभी बच्ची को कहा गया था कि 4,000 मतलब आप किसी और को भी लेके आओ अपने साथ, तो क्या आपको भी बोला गया था कि आप भी किसी और को अपने साथ लेकर आओ यहाँ पर काम करने के लिए? जी नहीं ये भी नहीं बोला मेरे को अभी तक। आपकी एज क्या है? 16। आपको कितना समय हो गया था वहाँ काम करे? एक हफ्ता हुआ था। तो आपको कब रियलाइज हुआ कि आदमी गलत है या फिर गलत नज़रों से देख रहा है? पहले दिन तो ठीक था, फिर उसके तीसरे दिन बाद मेरे को कहने लग गया कि मतलब मेरे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो, 5,000 रुपये दे। जाने की बात कर रहा हूँ। होटल सीधा बोला कि मेरे साथ होटल चलो? जी, और कहने लग गया कि 5,000 रुपये ले लो मुझे, मेरे साथ होटल चलो और मतलब 500 रुपये ले लो, ऊपर का पार्ट दिखा दो। कहता था मतलब वीडियो भी दिखाता था गंदी गंदी, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर मारा। और जब मैंने जब ये बोला ना मैं अपने घर वालों को बताऊँगी, तो मेरे घर वालों को धमकी देता कि ना अगर मेरे बारे में रिपोर्ट करी तो मैं 25-30,000 रुपये दे के आ जाऊँगा, और आने के बाद तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये तुम जान लो। मतलब ये धमकी देता था, इस वजह से मैंने कुछ नहीं बोला। जब आपने काम करना शुरू किया मतलब उसके कितने दिनों बाद ये फिर ऐसे परेशान करने लग गया था? एक दो दिन ही बात करने लग गया था वो ऐसे परेशान। फिर फैमिली को कब बताया आपने? फैमिली को मैंने पहले से ही बता रखा था कि यह बंदा ऐसा है वैसा है, तो मेरे घर वाले ने बोल दिया कि दुकान छोड़ दे, हम देख लेंगे जो होगा। छेड़छाड़ कर रहा था, कभी आपने पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की इसको लेकर? नहीं वो धमकी देता था कि क्या फ़ायदा तुम्हारा करने का, मैं पैसे दे के आ जाया करूँगा। अच्छा, आपकी बहन है ये भी साथ में ही थी मतलब वहीं पर काम करती थी बहन? नहीं जब मैं काम करती थी ये मेरे को बुलाने आती थी, एक बार उसने देख लिया। अब मुझे ये नहीं पता पीछे से इसे कब बुलाते हैं कब नहीं, तो ये अपने दोस्तों के साथ गई होगी तो उसने कर दी होगी। जब घर में आया था धमकी देने उस वक्त तो ये आपकी बहन काम नहीं करती थी है ना? नहीं मेरी एक बार मेरी बहन को डंडा लेके मारने भी आया था घर पे, मेरे घर वालों को धमकी देने आया था, गाली गलौज कर रहा था, तो हम थोड़ा डर गई थी मैं, इस वजह से बता नहीं सकी मैं किसी को। वो आदमी जैसे पहले आपके घर आया था ऐसे धमकी देने, तो फिर आप काम करने क्यों गई फिर? आपको डर नहीं था कि वो आपको भी ऐसे मार सकता है? मतलब मेरी दोस्त को कह रही थी मतलब अच्छा है फ़ोन ले लेंगे फिर एक हफ्ता कर लेंगे फिर हट जाएंगे। मतलब वो तो आपको धमकी देने भी आ गया था ना घर में, तो एक तरीके से वो आपको लालच दिया तब जाके आप गए वहाँ पर। हाँ। और आपको पता नहीं चला कि आपकी छोटी बहन वहाँ पर काम कर रही है? नहीं वो पीछे से मतलब जाती होगी मुझे ये नहीं पता, अगर जाती तो मैं उसे मना करती। मैंने सरफराज को बोला भी था एक बार जिस दिन उसने देख लिया था, कह रहा था अपनी बहन को ही बुला लो। अच्छा, बोला था कि अपनी बहन को भी लेके आओ? हाँ, तो मैंने मना कर दिया, वो बच्ची अभी तुम उसके साथ क्या करोगे, कुछ नहीं भाई, वो छोटी बच्ची है उसे तो कुछ लगेगा नहीं लेकिन हमें तो बुरा लगेगा। वो कहता था पैसे दे दूँगा, मैं मना कर देती थी इतनी गंदी बातें मत क्या करो इस वजह से। अच्छा ऐसे कितनी लड़कियों को वो ऐसे अपने चंगुल में फंसा चुका है या उनके साथ ऐसे गलत कर चुका है, कुछ पता चल पाया कितनी लड़कियों को ऐसे फंसा चुका है? नहीं एक लड़की है मतलब 10-12 लड़की है, 7 लड़की है ना वो पता नहीं कहाँ है, उन्हें शायद
अब पता चला मुझे कि वो ऐसा इंसान है, 50 लड़की भेज चुका ही है वो। हमें तो पता चला है, हम तो अभी आए हैं, पहले से पता नहीं था कि वो कैसा इंसान है। आपको पता है कि वो कब से यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है? जी नहीं, ये नहीं पता। अच्छा, मतलब कोई पुरानी खास पुरानी दुकान नहीं थी? एक थी, वो उधर थी शनि बाजार चौक पर। इसी की थी? इसी की थी, अभी उसने शिफ्ट करा था। और यहाँ पर जो लड़कियों को किडनैप किया गया था, क्या कुछ को ले मतलब कहीं बेचा भी गया है उनमें से कुछ लड़कियों को? हाँ। अच्छा, वो लड़कियाँ कब से काम कर रही थी? वो भी आप लोगों की तरह नई थी या वो पहले से ही काम कर रही थी? वो शायद करती होंगी पीछे से काम, लेकिन उन्हें कुछ वो नहीं करा, मेरे को कभी बताया ही नहीं उन लोगों ने कि ऐसा बंदा है, मुझे तो अब पता चला है। आप भी जब काम कर रही थी तब भी आपके साथ मतलब कोई और नहीं था, आप अकेली वहाँ पर काम कर रही? हाँ, मैं अकेली थी। आप किस चीज़ का वहाँ काम कर रही? यही लिखने विखने का कोई आता है। रिसेप्शनिस्ट ही रखे था आप? हाँ। आपकी मम्मी क्या करती है? मेरी मम्मी काम करती है। क्या काम करती है? देवनगर में वो चादर बनाती है। और पापा? मेरे पापा को दिखाई नहीं देता, काम नहीं करते। जी, मोतियाबिंद हो रहा है आँख में। और आपकी मम्मी क्या काम करती है? मम्मा नहीं है, दादी हैं, दादी घर पर रहती हैं। मम्मा नहीं है आप? और पापा क्या करते हैं? पापा रिक्शा चलाते हैं। यहाँ पर आपने देखा गरीब सीधे साधे लोगों को ही जो है उस व्यक्ति ने टारगेट किया, किसी के घर कोई रिक्शा चलाता है तो किसी के घर कोई छोटा मोटा काम करके ये लोग अपना रोज़ का गुजारा करते हैं, और ऐसे ही लोगों को लालच देकर जो है आसानी से फंसाया गया। और इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, ये दोनों तीनों के तीनों नाबालिग हैं, 16-15 साल की इनकी उम्र है, तो इन लोगों को टारगेट करना भी ईजी होता है, इसलिए इन छोटे बच्चों को फंसाया गया। ऐसा भी पता चला है कि जो सरफराज था वो मतलब हिंदू लड़कियों को ही नौकरी पर रखता था, ये बात सच थी? हाँ, ये बात सच है, हिंदू को ही रखता था। जितनी भी लड़कियाँ थी सारी हिंदू ही थी? हाँ। मतलब कोई उनकी कम्युनिटी से वो किसी लड़की को नहीं रखते थे काम पर? नहीं, वो हिंदू को ही रखता था खाली, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब हिंदू और जो गरीब वर्ग के हैं थोड़े से, उन्हीं लड़कियों को वो टारगेट करता था? जी, उन्हीं लोगों को। क्या आपको सरफराज गलत तरीके से टच वगैरह भी करता था? जी, चेस्ट पे हाथ लगाता था, शोल्डर पे हाथ लगाता था, बैक पे हाथ लगाता था बस। तो आपने इस चीज़ का विरोध करने की कोशिश की? करा था मैंने, लेकिन वो मारने की धमकी देता था। मतलब सीधा धमकी दे देता था जब आप विरोध करती थी? जी। ऐसा भी सुनने में आया था कि उसने अपनी शॉप के अंदर एक सीक्रेट रूम भी रखा हुआ था, ये बात सच है? जी। किस तरफ रखा हुआ था? पीछे की साइड उसने रूम बना रखा था एक। वहीं पर लेकर जाता था क्या? जी, वहीं छेड़खानी करता था। हाल ही में सरफराज ने 7 लड़कियों को जो है किडनैप किया था, उसमें से जो है 5 लड़कियां अपने घर वालों से वापस मिल चुकी हैं, अभी भी 2 लड़कियां जो है गायब हैं। अब आखिर वो 2 लड़कियां कहाँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो किस जगह पर हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन हम आशा करते हैं कि पुलिस जो है उन 2 लड़कियों को भी जल्द से जल्द ढूंढेगी और उनके परिवार वालों से उनको मिलवा देगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।